बहुजन इंडिया 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त जीडीएम निगम सुल्तानपुर। आप लोग के सामने इस समय जो है हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रभात। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश और समस्त भारत की ताजा तरीन खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आइए देखते हैं पूरी कोशिश करते हुए आज इस सभा में उपस्थित हुए ग्राम सभा वासियों को मैं तहे दिल से नमन और वंदन करता हूँ। आज हम लोग का समय कम है, लेकिन मैं विधानसभा में ही आ सकल हूँ और घर घर सचिव मेरा परिचय है। एक आप मेरे घर के आदमी हैं और घर परिवार में सबको समझता हूँ। मैं राजनीति में 2 साल से आया हूँ। पहले मैं नौकरी पेशे से था, लेकिन मुझे कुछ कार्यों के विधानसभा की दुर्दशा देख कर मैंने उठाना कि मैं ये एक बार अपने बहुजन समाज की सेवा कर सकूँ। बहुजन समाज की सेवा करने में मैंने अपना तन मन 2 साल से लगा दिया है और घर घर घूम कर अलग लगा रहा हूँ, लेकिन हमारे प्रेम के जो बसपा में रहते थे 40 साल से काम किए थे, लेकिन उनको निराश नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको अपना धन कमाना है, अपना स्कूल बनाना है, अपना पेट्रोल पंप खोलना है, अपना गैस एजेंसी खोलना है, अपना दारू का ठेका चलाना है, उनसे बहुजन समाज को कुछ नहीं होना देना है, क्योंकि हाथी छोड़कर साइकिल पर चले गए। अब साइकिल को आप लोगों को पंचर करनी है, साइकिल कैसे पंचर होगी ये आप लोग जानते हैं। आप जब 27 मई 2022 को अपना अमूल्य वोट देने जाए तो हाथी पर बटन दबाकर बहुजन समाज पार्टी के विधायक बनाए और साइकिल को आगे बढ़ने न दें, उसमें सोई न चुभाएं, नहीं तो कहीं और चुभ जाएगी तो दर्द होगा। उनको ऐसे दर्द देना है तो जिंदगी भर दर्द से मरते रहे और ऊपर न उठ पाए, क्योंकि हमारी बहन भी को कहते हैं रास्ते से भटक गई है, अब उनका कोई मूल मंत्र नहीं है। बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई है। बहुजन इंडिया 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त जीडीएम निगम सुल्तानपुर। आप लोग के सामने इस समय जो है हमारे बहुजन समाज पार्टी के बहुत से सारे जो है पदाधिकारी उपस्थित हैं। हम इनसे बात करेंगे कि जो है इनकी रणनीति क्या है, इनका मुद्दा क्या है, ये जो है इस समय सरकार बनाने में इनका कितना भूमिका है। हम आइए हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? श्याम नारायण उपाध्याय। आप ये बताइए सर, आपका रणनीति मुद्दा क्या है? हमारा रणनीति और हमारा मुद्दा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय जो माननीय बहन जी ने नारा दिया है, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी 2007 में, तो माननीय बहन जी ने भागीदारी के तहत दर्जनों कैबिनेट मिनिस्टर ब्राह्मण समाज को बनाया था। आज हमारे अगुवा माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी पूरे परिवार सहित पूरे ब्राह्मण समाज को उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में इकट्ठा करके काम कर रहे हैं और आदिपुर सुरक्षित विधानसभा को जिताने के लिए ब्राह्मण समाज एकत्र हो करके माननीय हीरा लाल गौतम को विजयी बनाने का काम करेगा और माननीय मिश्रा जी और माननीय बहन जी के विश्वास पर खरा उतारने का काम करेगा। सर ये बताइए कि जो शिक्षा के मामले में आपको क्या कहना है, शिक्षा इस समय जो है बच्चों को पढ़ाई नहीं हो पा रही, इसके बारे में आप क्या कहना है? शिक्षा के मामले में ये सरकार तो खड़यंत्र के तरह पूरे बच्चों का भविष्य खराब कर दे रही है। गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे जो भी हो, शिक्षा को ये खत्म कर देना चाहते हैं जड़ से, और जो संविधान के तहत सबको भागीदारी
मिलने का काम हुआ है। ये तो डर सरकार चाहे वो कांग्रेस की गई हो चाहे वो जिसकी भी गई हो आज तक प्रस्तावना भर भी लागू नहीं हुआ है, इनसे क्या उम्मीद की जाए। और रही बात योगी जी की तो मठ में जाने का काम करेंगे जो उनकी असली जगह। सर ये बताइए कि जो महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है इसके बारे में आपको क्या कहना है? अब ये इनकी तो शादी नहीं हुई है, ये क्या जाने महिलाओं की इज्जत बेटियों की इज्जत। ये दोनों लोग जो दुर्दांत फैलाए हुए हैं इस देश में उससे जल्द ही अब की 2022 में उससे निजात मिलेगी और उत्तर प्रदेश की बागडोर माननीय बहन जी संभाले। बैर कुमारी मायावती जी इस समय सर जो है बीजेपी सरकार के तरफ से 5 किलो यूनिट राशन दिया जा रहा है और 2000 रुपया खाते में दिया जा रहा है, इसके लिए आपका क्या विचार है? बीजेपी की तो बात। इंडिया 24 न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्ध।